हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे, मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ पॉकेट एफएम की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस नॉवल की, इसे मैंने पिक किया है ट्रेंडिंग नॉवल्स की लिस्ट से। और ये जो स्टोरी होने वाली है ना, ये एक रीबर्थ वाला कॉन्सेप्ट इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो हमारे हीरो हैं उनका जो है रीबर्थ आप लोगों को देखने को मिलता है, लेकिन उन्होंने पास्ट में जो चीज़ें की वो सही थी या गलत थी, या फिर मैं कितनी अटैच हुई, या फिर क्या ये बिल्कुल सिमिलर है अदर स्टोरी जैसे रिबर्थ की होती है उससे, ये जानने के लिए तो आप लोगों को पूरी वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, तभी आप लोगों को चीज़ें जो है वो क्लियर होगी। तो पहले मैं आप लोगों के साथ उसके डिटेल जाना वो शेयर कर देती हूँ। बाकी लिंक्स वगैरह जो भी होंगे मिल जाएंगे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके जो है आप लोग इस स्टोरी को पढ़ सकते हैं। तो ये जो स्टोरी है उसका नाम है रीबॉर्न ऑफ द डेविल। ये आपको ट्रेंडिंग नॉवल्स की लिस्ट में भी मिल जाएगी। इसकी जो ऑथर है उनका नाम है नेहा यादव। 4.6 इसकी रेटिंग है और इसके 30 चैप्टर्स हैं अराउंड। मैंने 20 के अराउंड मैंने इसके चैप्टर्स जो है ना वो रीड किए हैं। पार्थ वालिया और जो है वो हमारे हीरो हैं और रीत हमारी हीरोइन है, ठीक है। और साथ ही साथ इनकी गर्लफ्रेंड और इनके फ्रेंड जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल आप लोग को इस स्टोरी में जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी फैमिली तो है ही है। तो पहले इसके इंट्रोडक्शन बताया गया है कि पार्थ वालिया था ग्रेट बिजनेसमैन जिसने किया था बेइंतहा मोहब्बत। उसे मिला अपने ही प्यार और दोस्त से धोखा और मौत, पर किस्मत ने दिया उसे एक और मौका। तो क्या करेगा पार्थ जब मिलेगा उसे जिंदगी को एक और बार जीने का मौका, ठीक है। क्या वो अपनों को जो है वो प्रोटेक्ट कर पाएंगे और खुद को जो है वो खुद को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे, एक सेफर साइड जो है वो रख पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ऑब्वियसली सेकंड चांस मिलने के बाद तो चीज़ें अलग हो ही जाती हैं। पहले थोड़ा सा मैं इनकी फैमिली का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। इनकी फैमिली में इनके डैड प्लस इनके दो भाई और एक बहन है, जो कि ये कह लो कि इनकी जो मॉम है उनकी डेथ हो गई है, ठीक है। तो क्या है कि पापा जी जो है उन्होंने दूसरी शादी की और उनके हैं ये बच्चे, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप ये बोलो कि बिल्कुल ही सौतेलों वाला बर्ताव है, नहीं, बहुत पॉजिटिव है। लेकिन वो कहते हैं ना कि कई लोग जो है वो मन में जहर घोल देते हैं तुम्हारी फैमिली को लेके, तो बस वो भी इनके मामा मामी जो हैं हमारे हीरो के, उन्होंने इस तरीके का जहर घोला। और साथ ही साथ हमारे ये जो अदर कैरेक्टर्स हैं जैसे कि हमारे हीरो के फ्रेंड, वो उनसे शुरू से ही जलते थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि तुम मेरे से हर चीज़ में आगे आए, तुम्हें हर चीज़ अच्छी मिली, चाहे फिर तुमने अपना स्टार्टअप शुरू किया उसमें तुम्हें सक्सेसफुल जो है वो इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए, है ना। तो वो चीज़ें हैं, वो जलन अंदर ही अंदर इंसान को जो है वो कचोट रही थी। तो उन्होंने इसका बदला लेने के लिए क्या किया, बस उन्हें दूसरों के खिलाफ भड़काया, उनकी जो कंपनी है उसके शेयर्स या फिर ये कह लो कि शेयर होल्डर्स या फिर जो अदर लोग हैं, शेयर होल्डर नहीं बेसिकली जो एम्प्लॉयज़ हैं, हाँ, उनको खरीद के प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल निकालना, समझ रहे हो आप लोग। तो इस तरीके की चीज़ें आप लोगों को इसमें देखने को मिलती है। बात की जाए इनकी गर्लफ्रेंड की, वो असल में इनके दोस्त की गर्लफ्रेंड है, ठीक है। अब ये सब बस एक जाल है जो कि बुना गया हमारे हीरो के लिए। लेकिन हमारी हीरोइन की जो है मतलब रीत, उनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, वो उनकी वाइफ थी। तो क्या हुआ, क्या चीज़ें थी, बहुत ये वाइफ वाला जो मतलब इसमें ट्रैक दिखाया गया ना, ये बहुत कंफ्यूजिंग सा थोड़ा सा आप कह लो, क्योंकि पता क्या इनको पता नहीं है कि हमारी जो है शादी हुई है लाइक, और इतना ज़्यादा कुछ अटैचमेंट नहीं। तो किसने कराई थी शादी, या फिर क्या हुआ, क्या इनको कभी पता चलेगा कौन थे, या फिर रीबर्थ के बाद उनके साथ कुछ होगा, या फिर ये दोनों मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि साथ में फैमिली में तो नहीं रहते हैं, तो फिर कहाँ रहते हैं, ये सवाल जाने के लिए आप लोग को स्टोरी को पढ़ना पड़ेगा। इससे ज़्यादा तो मैं इसके बारे में थोड़ी ना बताऊंगी आप लोगों को, पूरी की पूरी स्टोरी मैं बता दूंगी तो आप लोग क्या पढ़ोगे, है कि नहीं है। तो इस तरीके का रिवर्स वाला कॉन्सेप्ट है। तो ये अपनी फैमिली को किस तरीके से जो है वो टुगेदर रख पाएंगे, और साथ ही साथ उनको जो है वो पिछले जन्म में जो इन्होंने प्यार नहीं दिया, जो नफरत दी है, उसको किस तरीके से जो है वो चेंज करेंगे और अच्छी फैमिली जो है वो एक बना कर दिखाएंगे, समझ रहे हो, उन सब लोगों को एक्सेप्ट करके, उनकी विशेस को, उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करके, ठीक है। क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं है यार, है ना। तो बस वही वाली चीज़ें हैं इस स्टोरी में आप लोगों को देखने को मिलती हैं। लेकिन यार स्टोरी ना मुझे सच में काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, पता नहीं क्यों, अलग सी ना इस वाली स्टोरी के साथ, पता नहीं सेम सी चीज़ें हैं फिर भी देखा जाए तो, लेकिन फिर भी ना पता नहीं क्यों अटैचमेंट सी हो रही है स्टोरी के साथ। बहुत कम होता है ऐसा ना मुझको, जब बहुत ऐसे फील हो कि बस यही यही बस अब क्या कर सकते हैं, बट यही चीज़ है। बट हाँ, कॉन्सेप्ट वगैरह सेम है, लेकिन रॉयल लाइफस्टाइल की आप लोगों को कमी देखने को मिलेगी। मिस्ट्री सस्पेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा, फैमिली ड्रामा देखने को मिलेगा, प्लस ड्रामा देखने को मिलेगा, रिवेंज तो है ही है। बाकी हमारी हीरोइन की साइड की फैमिली की बात की जाए तो उनका पूरा का पूरा ये कह लो कि एक मिस्ट्री है। मिस्ट्री तो मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ, मुझे तो पता है कि स्टोरी में क्या है क्या नहीं है, लेकिन आप लोगों को तो जानना पड़ेगा ना हीरोइन के बारे में,
तो वो जाने के लिए आप लोग स्टोरी को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी ट्रेंडिंग नॉवल्स में तो है यार, और आजकल ये रीबर्थ वाली स्टोरीज बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अभी ना मुझे कमेंट करके ना एक बेस्ट सी स्टोरी बता दो यार, मतलब मैं सेम सेम देख के ना थोड़ा उब सा जाता है इंसान, है ना। मुझे कुछ अच्छी सी स्टोरी मिल नहीं रही है, पता नहीं क्यों। कुछ बता दो, मतलब मेरे तरीके का, मेरे टाइप का, अगर आप लोग को मिल रहा है कुछ तो मुझे ज़रूर बताना, हाँ कमेंट करके कि दी ये वाली स्टोरी पढ़ो, इस तरीके की। बाकी हाँ रोमांस तो आप लोग को देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और बस हाँ यही मेनली आप लोगों को चीज़ें जो है वो देखने को मिलेंगी। रिस्ट्रिक्शंस की बात की जाए तो नहीं, आप लोगों के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। वही स्टार्टिंग वाला चैप्टर जो होता है वो इमोशनल हो जाता है, अदरवाइज बाकी जो स्टोरी होती है वो तो बैलेंस होती है इमोशंस और फीलिंग्स की, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इससे ज़्यादा मैं स्टोरी के बारे में क्या ही बोलूँ। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ कि क्या है और क्या नहीं है। बस ये इनको किस तरीके से चीज़ें जो है वो सेटल करनी है, अपने रिलेशनशिप को चांस देना या नहीं देना, क्या चीज़ें हैं वो देखने को आप लोग को स्टोरी में जो है वो मिलेंगी। बाकी 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 और क्या है, बस यही है। इतना काफ़ी नहीं है क्या स्टोरी को लेके? हाँ काफ़ी है, तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। लिंक दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर जो है आप लोग स्टोरी को पढ़ सकते हैं। हाँ बीच में वर्ड स्पेलिंग मिस्टेक आप लोग को जो है वो देखने को मिल जाएगी उस चीज़ के लिए, बट कोई बात नहीं, आप इतना एक साथ फ्लो में पढ़ रहे होंगे तो कुछ महसूस भी नहीं होगा ना ज़्यादा, ठीक है। बट फिर भी मेरा बताने का फर्ज था जो कि मैंने पूरा किया। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी और आप लोगों को पसंद भी आई होगी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। और अगर आप लोग अपनी फेवरेट स्टोरी नॉल बुक है फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।